हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो। तो गाइस आज मैं आपको इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, पेपर कॉन्सेप्ट का फोटो एडिटिंग। तो ये जो इंस्टा पर बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मेरा काम है आपके पास ट्रेंडिंग यानी फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लाना। तो फ्रेंड्स लाइक तो बनता है और वीडियो को भी एंड तक देखते रहना, नहीं तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड को मैं खुद बनाया है, तो फ्रेंड्स लाइक तो बनता है। यहाँ पर बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, आपको गैलरी से शेयर कर देना है पी सेट के अंदर। तो यहाँ पर पी सेट के अंदर शेयर कर देते हैं। पी सेट के अंदर शेयर करने के बाद आपको यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चले जाना है। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चलते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल पर आने के बाद यहाँ पर आपको थ्री लेयर पर क्लिक करके एक इम्पिल लेयर बनाना है। तो यहाँ पर इम्पिल लेयर बना देते हैं। इम्पिल लेयर बनाने के बाद आपको आठ फोटो चले जाना है, अपनी पिक को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आठ फोटो चलाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मॉडल को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मॉडल को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आपको मॉडल को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मॉडल को सिलेक्ट कर देते हैं। तो इसी पेक के ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉप कर देते हैं पहले। तो क्रॉप करने के बाद आपको राइट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बड़ा कर देना है। तो यहाँ पर साइज को थोड़ा बड़ा कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इरेज टूल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइज को थोड़ा यहाँ पर आपको हार्डनेस को यहाँ पर 100 कर देना है। तो यहाँ पर ओपेसिटी को भी 100 करना है। उसके बाद आपको साइज को 20 के आसपास रखना है। उसके बाद आप राइट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करके यहाँ पर इरेज करना है मेरी तरह आपको। तो यहाँ पर इरेज कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो साइज को 30 के आसपास रखेंगे, 40 के आसपास। उसके बाद आपको इरेज करना है जल्दी से, इस तरह इरेज करना है, बहुत ही आसान है। अब अगर आप प्रोफेशनल तरीके से इरेज करना चाहती है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, अगर देख सकते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर जल्दी से इरेज कर देते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। इसी तरह आप इरेज करोगे तो आपका पिक का क्वालिटी नहीं घटेगा। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इरेज करता हूँ यहाँ पर ड्रॉ टूल पर। तो आप भी ड्रॉ टूल पर इरेज करना बहुत ही आसानी है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो हर दिन ला कर रहता हूँ। तो यहाँ पर कर देते हैं जल्दी से इरेज। आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैं वीडियो को कॉट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर इरेज होने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, आपको इसी तरह आपको बीच में ही एडजस्ट करना है। यहाँ पर ठीक से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री लेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थ्री लेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इम्पिल लेयर बनाना है। तो यहाँ पर इम्पिल लेयर बनाने के बाद आपको यहाँ पर इम्पिल लेयर को यहाँ मॉडल को नीचे लाना है। तो यहाँ पर मॉडल के नीचे यहाँ पर आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देना है। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रश पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ब्रश का साइज आपको यहाँ पर हार्डनेस को जीरो रखना है, और हार्डनेस को जीरो रखने के बाद आपको ओपेसिटी को 50 के आसपास रखना है, और साइज को 80 के आसपास, 90 के आसपास रखना है। उसके बाद आपको हल्का हल्का सा शैडो बनाना है। तो पीछे की तरफ शैडो बनाना है, तो यहाँ पर एक रियलिस्टिक लुक आएगा। तो यहाँ पर शैडो बना देते हैं। तो यहाँ पर शैडो बनाना जरूरी है आपको भी। तो यहाँ पर शैडो बना देते हैं आपको। यहाँ पर मेरी तरह इसी साइड पर शैडो बनाना है, तो दूसरे साइड नहीं करना है। तो यहाँ पर शैडो बना देते हैं। शैडो बनाने बाद आपको यहाँ पर थ्री लेयर पर क्लिक करके ओपेसिटी को कम कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शैडो बना दे। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री लेयर पर क्लिक करना है, ओपेसिटी को कर लेते हैं कम। ओपेसिटी को हम 80 के आसपास रखेंगे। तो यहाँ पर ओपेसिटी को 80 के आसपास रखने के बाद आपको यहाँ पर डिस्कार्ड कर देना है इमेज को। इमेज को कर लेते हैं राइट की तरफ, राइट पर क्लिक करके डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आठ फोटो पर चले जाना है। तो यहाँ पर आठ फोटो पर चलते हैं। तो आठ फोटो जाने के बाद आपको यहाँ पर पेपर की टी शर्ट लगाना है। तो यहाँ पर टी शर्ट के ऊपर न्यूज़ पेपर लगाना है। तो यहाँ पर आठ फोटो चलते हैं। तो ये न्यूज़ पेपर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर न्यूज़ पेपर कर लेते हैं आठ। उसके बाद आपको यहाँ पर मेरी तरह आपको आदेश करना है। तो ये न्यूज़ पेपर ऐड होने के बाद आपको ओपेसिटी को कम कर देना है। तो ओपेसिटी को कम होने के बाद आपको यहाँ पर साइड के ऊपर आदेश करना है। तो यहाँ पर साइड ऊपर आदेश हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपेसिटी को 100 करना है। तो यहाँ पर 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लेंड करके मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पर ब्लेंड करके मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल करने के बाद आपको इरेज कर देना है। तो यहाँ इरेज टूल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको हार्डनेस को 100 रखना है और साइज को 100 रखना है। उसके बाद आपको इरेज कर देना है फुल लूज न्यूज़ पेपर को। न्यूज़ पेपर इरेज करने के बाद आपको यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको तो यहाँ पर रिस्टोर को यहाँ पर हार्डनेस को 90 के आसपास रखेंगे। उसके बाद आपको साइज को 17 के आसपास। उसके बाद आपको यहाँ पर हल्का सा ड्रॉ करना है, तो 60 के ऊपर ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं जो पी शर्ट का भर्जन यूज करता हूँ वो 10 होता है, तो इसीलिए इस तरह दिख रहा है। तो यहाँ मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसी तरह ड्रॉ करना है, 60 के ऊपर ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ड्रॉ जल्दी से कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये एडिटिंग को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो फ्रेंड्स लाइक तो बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो हर दिन लाता रहता हूँ, और बेल आइकन भी प्रेस करें।
फिर आपको पूरी तरह से ड्रॉ करना होता है, राइट पर क्लिक करें, बैक जाने, बैक जाना होता है आपको एडजस्ट पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक कर देने और ब्राइटनेस को कर लेते हैं कम, तो यहाँ पर कम कर देते हैं। यहाँ पर आपको माइनस कर देना है ब्राइटनेस को, ब्राइटनेस को माइनस करने बाद आपको यहाँ पर क्लैरिटी को प्लस कर देना है, तो क्लैरिटी को प्लस करना है अपनी पिक का जो न्यूज़पेपर टी शर्ट है बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर दिखाई देगा, तो यहाँ पर प्लस करना है आपको। उसके बाद आपको डन करके बैग जाना, बैग जाने बाद आपको यहाँ पर ड्रॉ टूल पर सेव कर देना है, तो सेव करने बाद आपको यहाँ पर लाइट रूम पर ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लाइट रूम पर कलर करेक्शन करेंगे, यहाँ पर लाइट रूम पर ओपन कर देना है सेव करके, यहाँ पर आपको एडिट पिक को शेयर कर देना है, तो यहाँ पर आपको शेयर कर देना है लाइट रूम पर, तो यहाँ पर शेयर कर देते हैं, शेयर करने बाद आपको ऊपर इधर स्वाइप करना है, स्वाइप करने बाद आपको लाइट रूम पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर देते हैं। फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करने बाद आपको यहाँ पर पहले पहले फेस ज़्यादा बहुत ही डार्क है, गोरा नहीं है, तो यहाँ पर गोरा करेंगे, तो यहाँ पर आपको कलर्स पर चला जाना है, तो यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करते हैं, कलर्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिक्स पर क्लिक कर देना है, मिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको डाउन पास और एक टूल मिल जाएगा, उसका ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको सेचुरेशन को ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर सेचुरेशन को हैंड के ऊपर रखना है, और यहाँ पर प्लस करना है, तो यहाँ पर प्लस 5 के आसपास रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस 5 रखना है, उसके बाद लुमिनस को यहाँ पर आपको लुमिनस को 100 कर देना है, 100 कर देना है हैंड के ऊपर रख करके, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा गोरा हो चुकी है हमारा फेस, तो यहाँ पर आपको डन करके बैग जाना है, तो बैग जाने बाद आपको यहाँ पर आपको टेम्परेचर को रखना है, आपको प्लस 2 रखना है, उसके बाद आपको 3 को भी प्लस 4 रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस टूल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बिगनेट को माइनस कर देना है, तो फिर बिगनेट को थोड़ा माइनस कर देना है, माइनस करने बाद आपको ऊपरी तरफ चले जाना है ब्राइटनेस पर ऊपर, तो हमारे ब्राइटनेस के ऊपर चले जाते हैं, तो ब्राइटनेस पर ऊपर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस कर देना है थोड़ा 2 माइनस, उसके बाद आपको हाईलाइट्स को थोड़ा प्लस करना है और शैडो को भी माइनस करना है, तो यहाँ पर शैडो को 4 माइनस करेंगे, उसके बाद आपको इसी टूल पर क्लिक करें तो यहाँ पर इसी टूल पर क्लिक करके शार्पनेस दे देते हैं इमेज के ऊपर, तो शार्पनेस थोड़ा दे देते हैं, शार्पनेस देने के बाद हमारी एडिटिंग हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी हुई, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही न्यू न्यू कल्चर का साथ हर दिन फोटो एडिटिंग लाता रहता हूँ, तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।